हमसे बातचीत करने के लिए। जयपुर से खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुरानी विधानसभा पहुंचे हैं, आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी भी पुरानी विधानसभा पहुंची हैं और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुरानी विधानसभा पहुंचे हुए हैं। सीएस उषा शर्मा भी साथ में मौजूद हैं और आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुरानी विधानसभा पहुंच गए हैं। तो देखिए, सीएस उषा शर्मा भी इस वक्त साथ में मौजूद हैं और सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, मुख्यमंत्री पुरानी विधानसभा पहुंच गए हैं, क्या ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है यहाँ पर? दीपिका, देखिए, पुरानी विधानसभा के अंदर आमेर विकास प्राधिकरण की ओर से म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, तो उसके निर्माण कार्य को देखने के लिए कि वो कार्य कितना आगे बढ़ा है उसको निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हुए हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा, उनके जो सचिव नीति सचिव है कुलदीप राठा, वो उनके साथ में है। और फिलहाल जो एक नया विधानसभा के अंदर मानसिंह टाउन हॉल है, उसके अंदर ये म्यूजियम डेवलप किया गया है आमेर विकास प्राधिकरण की ओर से, तो उसका ही निर्माण कार्यो का जो कार्य हो रहे हैं उसके अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर आए हैं। दीपिका, बिल्कुल, ये तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और सीएस भी साथ में मौजूद हैं। विभिन्न प्रोजेक्ट्स के कार्यों का अवलोकन आज मुख्यमंत्री राजधानी में करने वाले हैं। टाउन हॉल, आईपीडी टावर, राजकीय कॉलेज और गांधी म्यूजियम का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री मौजूद हैं पुरानी विधानसभा। और यहां से मेरे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, अभी तो निरीक्षण किया जा रहा है, कुछ अनुमान या फिर जानकारी है कब तक मुख्यमंत्री यहां पर रुकने वाले हैं, कितना देर? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का थोड़ी देर का यहाँ कार्यक्रम है, क्योंकि जो पुराने विधानसभा का जो सवाई मानसिंह टाउन हॉल है उसके अंदर निर्माण कार्य हुए हैं, नए जो काम करवाए गए हैं उनको देख रेख के लिए यहाँ पर आए, कितना कार्य यहाँ पर हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से उनका आईपीडी टावर जाने का प्रोग्राम है, उसके बाद में पोदार इंस्टीट्यूट वहाँ जाने का प्रोग्राम है, और चंद्र पार्क के अंदर गांधी म्यूजियम है वहाँ भी जाने का प्रोग्राम है। तो चार प्रोग्राम एक साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हैं। हालांकि एक दिन पहले भी यानी कल मुख्यमंत्री गहलोत के प्रोग्राम बने थे, लेकिन एन वक्त पर कार्य होने के कारण कल ये जो तहसीलदार कार्यक्रम थे ये नहीं हो पाए। अष्ट में अब जो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रोग्राम है वो शुरू हो चुके हैं और ये अभी जो टाउन हॉल के जो निर्माण कार्य हुआ है उसका ये अवलोकन कर रहे हैं, किस प्रकार से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, कितना समय लगेगा। आमेर विकास प्राधिकरण की ओर से टाउन हॉल का जो अंदरूनी कार्य थे वो करवाए गए थे, देखिए अंदर अब जा रहे हैं और अंदर किस प्रकार की रूपरेखा बनती है, किस प्रकार के म्यूजियम को रूपरंग किया गया है, तो इन सभी जो निर्माण कार्य है इनको अवलोकन करने के पश्चात थोड़ी देर बाद में आईटी रवाना होंगे। बिल्कुल, अभी अन्य और विकास जो कार्य हो रहे हैं उनका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और यहाँ पर क्योंकि सत्यनारायण आप मौजूद हैं, तो क्या जो बातचीत चल रही है फिलहाल जो मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, कितना कार्य भी यहाँ पर पूरा हो चुका है? देखिए, आमेर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, मुख्य सचिव है उषा शर्मा वो यहाँ मौजूद हैं, और ये देखिए हर किस प्रकार से यहाँ पर जो ये पिलर लगाए गए हैं इनका रंग क्या होना चाहिए, जिससे कि राजधानी की जो खूबसूरती, हालांकि गुलाबी रंग के अंदर ये शो होते हैं तो गुलाबी रंग के लिए जो आदेश है वो ही गुलाबी रंग होगा, लेकिन इसकी सुंदरता किस प्रकार से प्रदर्शित है, किस प्रकार से लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए मुख्य सचिव उषा शर्मा को भी यहाँ बुलाया गया था, उनके जो निजी कुलदीप राठा वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो निर्माण कार्य है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि जल्द ये कार्य पूरे हो, अपने बताए हुए निश्चित तौर पर ये टाइम है उसके अंदर जो कार्य है वो पूरे होने ही चाहिए, और इसीलिए आगे दौरा कर रहे हैं। इस पूरे टाउन हॉल के अंदर जो अंदर म्यूजियम डेवलप होगा आमेर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाया गया है, और उसके अंदर उसका पूरा काम हो जाएगा, तो उसको करने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, उसके बाद में ये जो म्यूजियम बनेगा ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दीपिका, बिल्कुल, जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो जनता के लिए फिर इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन सत्यनारायण ये भी आपसे अपडेट चाहेंगे कि क्या कोई डेडलाइन भी है इस कार्य को पूरा करने के लिए? देखिए, अभी तक डेडलाइन तो नहीं दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा है कि जो काम है, ये जो काम है म्यूजियम का काम होना है वो जल्द से जल्द हो, जिससे कि लोग यहाँ पर आके इसको देख सके, जिस प्रकार की सरकार ने यह कार्य किया है इसको लोगों के लिए खोला है पुराने विधानसभा, क्योंकि पुराने विधानसभा इस समय के अंदर तमाम जो सरकार थी वो यही ऑपरेट होती थी, सारे मुख्यमंत्री मंत्री यही बैठते थे, और ये जो विधानसभा है अब विधानसभा नया रूप दिया गया है, यहाँ पर जो अंदर
टाउन हॉल के रूप में नया रूप दिया गया है, म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया है। तो आमिर सरकार प्राधिकरण लगातार इस बिल्डिंग के लिए कार्य कर रहा था, कई महीनों से इस कार्य को तेजी से अंजाम दिया जा रहा था और अब माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये जो म्यूजियम है जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साफ जैसे कि जल्द से जल्द कार्य पूरे किए जाए और जब सूबे के मुखिया खुद ये देखने आते हैं कि कार्य कितना हो चुका, तो हम मानना कि खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्य पूरा हो। हर जो दीवार है उसको जीर्णोद्धार करके उसको नया रंग रूप दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आने वाला जो व्यक्ति है उसको राजस्थान की जो संस्कृति है उसके अभिभूत हो सके और यहाँ पर लोग अपने ग्राम विधानसभा आकर इसको निहार सके कि हाँ यहाँ सरकार चलती थी और म्यूजियम इस प्रकार अनूठा म्यूजियम यहाँ बना है। दीपिका, बिल्कुल सत्यनारायण, हम दिखा रहे हैं आपके माध्यम से तस्वीरें दर्शकों को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और वहां पर मुख्यमंत्री के साथ सीएस उषा शर्मा भी मौजूद हैं और आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरें सीधे किस तरह से प्रोजेक्ट को दिखाया जा रहा है मुख्यमंत्री को, क्योंकि मुख्यमंत्री बेहद संजीदा हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर अवलोकन करने सीएम पहुंच गए। हालांकि कल शाम को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बना था निरीक्षण का, लेकिन अचानक से उस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ था। अब मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं पुरानी विधानसभा और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है जिसका जिक्र मेरे सहयोगी सत्यनारायण कर रहे हैं कि ये बेहद अहम प्रोजेक्ट है, बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसको मुख्यमंत्री देखने के लिए पहुंचे हैं कि कितना कार्य यहाँ पर हो चुका है, कितना कार्य होना बाकी है, क्योंकि जनता के लिए इसे खोलना है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसे खोल दिया जाए आम जनता के लिए, जो कि दूर दूर से लोग पहुंचते हैं राजस्थान, राजस्थान की संस्कृति को देखने के लिए, समझने के लिए, उन्हें यहाँ पर आने का अवसर मिल सके, भ्रमण का अवसर मिल सके। लेकिन उससे पहले विकास कार्यों को पूरा करवाया जा रहा है और यहाँ पर समझाया जा रहा है, आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री को कि किस तरीके से कार्य चल रहा है और कितनी तेजी के साथ कार्य चल रहा है, किस गति के साथ कार्य चल रहा है, ये अधिकारी मुख्यमंत्री को समझा रहे हैं। तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, आप देख रहे हैं सीएस उषा शर्मा भी मौजूद हैं, उनकी भी मौजूदगी है इस निरीक्षण के दौरान। मुख्यमंत्री खुद जान रहे हैं, परख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कितनी बारीकी से सीएम देख रहे हैं कि कितना कार्य अभी तक हो चुका है। ऐसा तो नहीं कि धीमी गति से कार्य चल रहा हो, क्योंकि जल्दी से जल्द इस कार्य को पूरा करना है, क्योंकि आम जनता के लिए इसे खोल देना है, आम जनता यहां पर आ सके, भ्रमण कर सके। और यह निरीक्षण सीएम कर रहे हैं इस अहम प्रोजेक्ट का। पुरानी विधानसभा मुख्यमंत्री पहुंचे हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कार्य की शुरुआत काफी समय पहले हो चुकी थी और अब काफी समय हो चुका है कार्यों को, लेकिन अब प्रगति को जानने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं यहां पर। और देखिए किस तरह से बारीकी से मुख्यमंत्री को समझाया जा रहा है कि आप निश्चिंत रहिए, समय रहते इन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि इस गति से, तीव्र गति से यहां पर कार्य चल रहा है। सत्यनारायण, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है तो जरा ये बताइए कि इस कार्य की शुरुआत कब हुई थी, ये कितना अहम और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री के लिए है। तो देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर अधिकारी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री को बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि कार्य उसी गति से, उसी प्रगति पर है जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं प्रोजेक्ट की ये कॉपी हमें नजर आ रही है, जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री को समझा रहे हैं कि कितना तेजी के साथ यहाँ कार्य हो रहा है, क्या वहां पर समझाया जा रहा है मुख्यमंत्री को, अगर आप इन बातचीत को सुन पा रहे हो वहां पर। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो आमिर विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि म्यूजियम के अंदर किस प्रकार से इसका विकास किया गया है, इसकी संरचना किस प्रकार से रखी गई है और अब क्या काम होने बाकी है और इसके अंदर क्या कुछ बदलाव किया जाना आप देखते हैं। तमाम जो अधिकारी हैं बातों को समझाई जा रही है, बताया जा रहा है, जिससे कि उनको पता लगता है कि हाँ कि रूपरेखा इस संरचना इस प्रकार की होगी, उसमें कुछ अगर कमी उनको लगती है तो उसमें वो भी संदेश दे सकते हैं अपने। लेकिन जो संरचना पहले ही इंजीनियर द्वारा बहुत शानदार तरीके से डेवलप किया जा गया, क्योंकि विधानसभा पुरानी विधानसभा पहले अपने अनूठी विधानसभा है, इसका जो संरचना बनी हुई है पुरानी संरचना बनी हुई है, पुराने समय से विधानसभा थी, तो ऐसे में इसका नया रूप किस प्रकार को, नया संघ रूप इसका किस प्रकार जनता के सामने रखा जाएगा और किस प्रकार के कार्य जल्दी के पूरे हो पाएंगे, तो इसके निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर दे रहे हैं। जो कॉपी उनको दिखाई जा रही है, जो नक्शा उनको दिखाया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि इसमें एंट्रेंस और एग्जिट के गेट किस प्रकार से होंगे, कितने गेट यहाँ पर बनेंगे,
लेकिन किस प्रकार से लोग अंदर आ सकेंगे, अंदर एंट्री के लिए आने के बाद में कितनी एक साथ भी यहाँ पर इकट्ठी रह सकती है, तमाम वो बातें हैं जो इस पूरी बिल्डिंग के लिए अपेक्षित है कि इसके संरचना जो बनाई गई है जो बनी हुई है। ठीक है, अभी तो मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। सत्यनारायण, आप बने रहिए।